फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ इस समय हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास गेस्ट डॉक्टर रजत गुप्ता जुड़े हुए हैं। ये कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन हैं, बेस्ट कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन कह सकते हैं हम। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर रजत। थैंक यू। आज जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और आज हम बहुत सारे सवालों के जवाब लेने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज जो हमारा शो है इसमें हम आपको क्या कुछ दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ नोट कीजिए, आप देखते होंगे कि कई बार कुछ लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, खासतौर पर अगर हम कुछ मेल कैंडिडेट्स की बात करें, जिम जाते हैं, सिक्स पैक एब्स चाहिए होते हैं उन्हें ताकि उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा निखर कर आए, लोग काफ़ी अट्रैक्टिव हों उनके प्रति, है ना। बाकी आप भी चाहते होंगे और इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर बने हुए डॉक्टर रजत गुप्ता जो हैं हमें बताएंगे कि किस तरह का प्रोसेस अगर आप अपनाते हैं तो अगर अपनी लाइफ में आप चाहते हैं सिक्स पैक एब्स हों आपके। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में अभी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरीज की बात की जाए तो आप कौन कौन सी सर्जरीज हैं जो सबसे ज़्यादा करते हैं? सो इन माई प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा हम जो सर्जरीज करते हैं वो है बॉडी कंटूरिंग, लाइपोसक्शन, टमी टक्स, आर ग्लास शेप्स, सिक्स पैक एब क्रिएशंस। वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ मेल चेस्ट गायनोकोमेस्टिया सर्जरीज। इसके अलावा ब्रेस्ट की सर्जरीज, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशंस, ब्रेस्ट रिडक्शंस, लिफ्ट्स, राइनोप्लास्टीज एंड फेस लिफ्ट्स। सो दीज आर आर मेन फ्यू सर्जरीज विच वी डू इन आर प्रैक्टिस। तो लिपोसक्शन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो आप थोड़ा सा ब्रीफली हमें बता पाएं? ओके, सो लाइपोसक्शन के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारी मिस कुछ अप्रीहेंशंस हैं। लाइपोसक्शन बड़ा सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हम छोटे से छेद बनाते हैं 3 से 4 mm के। उस छेद के थ्रू जिस एरिया में हमें लाइपोसक्शन करना है हम कुछ फ्लूइड डालते हैं, जो फ्लूइड उस फैट को थोड़ा सा मेल्ट करता है और उस एरिया में ब्लड वेसल्स को थोड़ा श्रिंक कर देता है ताकि हम बाद में फैट सकआउट कर सकें। नाउ जो ये हम फैट सकआउट करते हैं आप प्रोसीजर के एंड में देख सकते हैं कि कितना फैट निकाला एक एरिया से, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, और आप इमीडिएट वो रिजल्ट आपको दिखता है। हम इसके आगे बढ़ चुके हैं जिसको हम यूजली बोलते हैं हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन या हाई डेफिनेशन लाइपोस्कल्पटिंग। उसके तहत हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ डिवाइसेज हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रो एयर या वेजर लाइपोसक्शन। उससे क्या होता है, जो फैट निकलता है इस तरह से निकलता है कि ट्रॉमा सबसे कम हो बॉडी में, रिकवरी फास्टर हो, स्वेलिंग या ब्रूजिंग कम हो और साथ में स्किन श्रिंक करे, सो दैट अ फीमेल कैन गेट अ गुड आर ग्लास शेप एंड अ मेल कैन गेट अ वेरी एथलेटिक शेप इन अ वी शेप। यानी कि इसको हम हाई डेफिनेशन लाइपोसेक्शन कहते हैं। हाँ जी, और इसके थ्रू ये प्रोसेस है। और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ मेल हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनको सिक्स पैक एब चाहिए होता है जिसके लिए हम देखते हैं अमूमन जिम जाया जाता है और कई सालों की मेहनत भी लगती है, बहुत सारी चीज़ें उनको फॉलो करनी पड़ती हैं, लेकिन क्या कॉस्मेटिक सर्जरी में ये पॉसिबल है कि सिक्स पैक एब्स उनको मिल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। सो वी आर डूइंग शायद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिक्स पैक एब्स बनाते हैं हम। देखो इसके लिए एक इंसान को फिट रहना ज़रूरी है, कहीं पे भी हमने ये नहीं बोला कि इंसान फिट ना रहे, एक्सरसाइज ना करे। तो सिक्स पैक एब्स में हम क्या करते हैं, मरीज़ को एग्जामिन करते हैं, उसकी जो मसल्स हैं उनको हम पहले मार्क कर लेते हैं सर्जरी से पहले। सो उनके रेक्टर मसल्स को मार्क कर लेते हैं, ऑब्लिक्स को मार्क कर लेते हैं, और इस तरह से किया जाता है कि वो मसल्स के ऊपर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल एचिंग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फैट निकाला जाए और वो मसल्स की कंटूर और उसके एजेस शार्प हों और दिखें। So, सिक्स पैक एब्स उभर के आते हैं, उभर कर आते हैं और फिर वही हैंडसम पर्सनैलिटी जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाती है। लेकिन कुछ मेल हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हुए थे जिनमें कुछ लोगों ने हमें बताया है कि कुछ मेल हैं जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हैवी चेस्ट हो जाती है, तो ये भी अपने आप में शर्मिंदगी का कारण बन जाती हैं। क्या इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए भी कुछ ऑप्शंस? बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं और मेल चेस्ट हैवी होना। इसमें क्या होता है कि आदमी की चेस्ट 13-14-15 साल की उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं किसी किसी के छोटा सा ग्लैंड बन जाता है। क्योंकि ये ग्लैंड है और सिर्फ फैट नहीं, आप किसी भी मेडिसिन, एक्सरसाइज, इंजेक्शन, ड्रग से इसको ठीक नहीं कर सकते। यू नीड दिस ग्लैंड टू बी रिमूव्ड, और एक बार ये ग्लैंड निकल गया तो ये परमानेंट क्योर है, दोबारा नहीं हो सकता। अब समझने वाली बात यह है कि जिसको गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम है वो इंसान इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है कि वो टाइट टी शर्ट नहीं पहन पाता, स्विमिंग पे नहीं जा पाता। हमारा मकसद ये होता है कि वो इंसान शर्ट उतार के स्विमिंग पे जाए। बिल्कुल। अगर हमने मेल चेस्ट का ट्रीटमेंट इस तरह से किया कि उसके छाती पे निशान आ जाए तो वो स्विमिंग पे फिर भी नहीं जा पाएगा।
सो हमारा मकसद ये है कि उसको कोई निशान ना आए। इसमें हमारे टेक्निक्स हैं जिसको हम स्पेसिफिकली करते हैं बाय यूज़ ऑफ माइक्रोवेयर और वेज़र, जिसमें जो कट आता है बहुत छोटा सा आता है 3 मिलीमीटर का, और हम आम पिट के पास देते हैं तो उसी के थ्रू सारी सर्जरी होती है और ग्लैंड निकाल दिया जाता है। छाती पे कोई भी निशान या कट नहीं आता, सो दे कैन गो बैक टू द सोसाइटी विद वेरी गुड कॉन्फिडेंस, गो टू स्विमिंग एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। और अगर हम यही फीमेल की बात करें, जो फीमेल्स हैं उनके लिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की बात की जाए, तो इस प्रोसेस के लिए कितना समय लगता है और इसको लेकर के किस तरह की आपका जो आप गाइड करना चाहें, जो हमारे दर्शक बने हुए हैं उनको बताना चाहें आप? सो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक सर्जरी है जो यूजुअली अमूमन तौर पर सिलिकॉन इम्प्लांट से होती है। सिलिकॉन इम्प्लांट्स जो अब हम यूज़ करते हैं वो 7th जनरेशन इम्प्लांट्स हैं, वो बहुत नेचुरल और बहुत अच्छे आ गए हैं। इन इम्प्लांट्स में सबसे ज़्यादा इशू फीमेल्स को ये होता है कि कौन से साइज़ का इम्प्लांट हम डलवाएं, कि हमारा नेक्स्ट साइज क्या बनेगा और क्या वो मुझ पर सूट करेगा। सो इसके लिए हम एक 3D सिमुलेशन करते हैं, जो एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ हम ही करते हैं पूरी कंट्री में। हम मरीज का फोटो लेते हैं, उसको 3D सिमुलेशन करके उसका 3D एनालिसिस और पूरा बॉडी का इमेज बना देते हैं जी। उस इमेज पे हम डिफरेंट साइजेस ऑफ इम्प्लांट डाल सकते हैं और एक फीमेल देख सकती है कि किस साइज का इम्प्लांट उसकी बॉडी पे खुद कैसा लगेगा, एंड देन दे कैन डिसाइड कि मेरे को ये साइज का इम्प्लांट चाहिए ताकि मेरे को ये शेप आए। सो इससे क्या है कि सर्जरी से पहले ही आप देख सकते हैं कि कैसे आप सर्जरी के बाद लगेंगे, तो सर्जरी की सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी हो जाती है और आपको बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड मिल जाता है। और फीमेल्स की बात की है हमने यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं चाहती हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल दिखें और उसके लिए तो वो बहुत कुछ करती हैं भाई। और ऐसे में अगर डॉक्टर रजत आपसे जानना चाहेंगे, आफ्टर प्रेगनेंसी हमने देखा है कई महिलाएं जो हैं वो चाहती हैं जो ब्रेस्ट है लिफ्ट करने की सोचती हैं, क्योंकि अमूमन आप समझ रहे होंगे इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि ब्रेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी महिलाएं चाहती हैं कि बिल्कुल शेप में रहें, तो इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है और फिर लैक्टेट करती है तो ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है और फिर कम होता है। अगर ऐसा एक या दो बार हो तो वो बढ़ा कम हुआ, इसको हम बोलते हैं योयो इफेक्ट। इससे क्या होता है, एट द एंड जो ब्रेस्ट है वो सैग कर जाती है। जब वो ब्रेस्ट सैग कर जाती है तो वो ऑब्वियसली सुंदर लगनी कम हो जाती है। अगर ये साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा रहे, इसको हम ह्यूज ब्रेस्ट भी बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत महिलाओं को नेक पेन या शोल्डर पेन भी होता है जी। इसके लिए ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी या ब्रेस्ट लिफ्ट, जिसको मैस्टोपेक्सी बोलते हैं, वो की जा सकती है, जिससे ब्रेस्ट का साइज छोटा करा सकता है, लिफ्ट करा जा सकता है और साथ में उसको अच्छी सी शेप, एक कॉनिकल शेप विद गुड प्रोजेक्शन दी जा सकती है। बिल्कुल। तो अभी जैसे ब्रेस्ट रिडक्शन के बारे में आपने बताया है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि नोज़ शेप, क्योंकि कही जाती है अगर नोज़ किसी की भी सुंदर है तो उसके चेहरे की जो रौनक है और बढ़ जाती है। हमने बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जिनको देखा है कि अपनी नोज़ की सर्जरी वो करवाती हैं, और अगर उसको मेडिकल टर्म में कहा जाए तो उसे शायद रिनोप्लास्टी कहा जाता है। इस सर्जरी को राइनोप्लास्टी, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता पाए। राइनोप्लास्टी एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें आपकी नाक की शेप बदली जा सकती है, आपको उसको फैलावट है उसको कम करना है, मोटी है पतला करना है, हम्प है हम प्रोड्यूस करना है, डिप्रेस्ड है उसको उठाना है, तो जैसा भी आप स्टेप चाहें वो करी जा सकती है। जो इसमें कट आते हैं वो ज़्यादातर अंदर नाक की तरफ आते हैं और एक छोटा सा कट नीचे आता है तो वो दिखता नहीं है। हम किताब की तरह ऐसी नाक की स्किन को खोल लेते हैं और अंदर ये सारी स्टेप्स कर लेते हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स, देखिए अगर कोई भी सर्जरी अच्छे प्लास्टिक सर्जन से कराई जाए, अच्छे सेंटर पे कराई जाए, वो सेफ है। मैं अपने हर मरीज को बोलता हूँ, इट इज़ लाइक ड्राइविंग अ स्कूटर। आप हेलमेट पहन के ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, रेड लाइट पे रुकते हैं, सेफ रहते हैं। बिना हेलमेट पहने 150 की स्पीड पे चलाएंगे, रेड लाइट जंप करेंगे, दिक्कत है। इसी तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से पहले आप अपने प्लास्टिक सर्जन को तरीके से चुने, किस अस्पताल में हो रही है वो तरीके से चुने, सो यू विल रिमेन सेफ। और ये प्रोसेस की बात की जाए, क्योंकि आप राइनोप्लास्टी की बात कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में अमूमन और इसके अलावा भी जैसे आप बाकी जो प्रोसेस आपने बताए हैं, इनमें कितने घंटे लग सकते हैं, कितना लंबा ये प्रोसेस होता है, ये थोड़ा आप समझा पाएं। जैसे हमने अभी बात करी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी की, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी इज समथिंग अराउंड 40 to 50 मिनट्स। मैं अपने प्रैक्टिस में बोलता हूँ फ्लैश रिकवरी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, यानी मरीज उसी दिन शाम को घर चले जाती हैं, देर इज़ नो नीड ऑफ हॉस्पिटल स्टे, इनफैक्ट वो शाम को डिनर वगैरह पे भी जा सकते हैं। राइनोप्लास्टी की बात की जाए, राइनोप्लास्टी सर्जरी का समय होता है 1 से लेकर 2 से 2.5 घंटा। मरीज अगेन अमूमन तौर पे शाम को घर जा सकता है, जो उसकी ऊपर स्प्लिंटेज होती है वो 1 हफ्ते बाद निकलती है।
लाइपो या बॉडी कंटूरिंग की बात की जाए, अगेन डिपेंडिंग ऑन कितना फैट निकाल रहा है, अराउंड 70-80% ऑफ आर पेशेंट्स सेम डे घर चले जाते हैं या एक दिन अस्पताल में रुकते हैं अगले दिन सुबह तक, एंड दे रिज्यूम देयर एक्टिविटीज फ्रॉम नेक्स्ट डे. सो अगले दिन से अपना सब कुछ काम वगैरह कर सकते हैं, ऐसा कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती. फिलहाल अब हम बात करेंगे सर, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आई बैग सर्जरी के बारे में, क्योंकि खूबसूरत आंखें भी सबको चाहिए, और इसके लिए क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में आप बताएं. ओके, सो बहुत सारे लोगों को, चाहे मर्द हो चाहे फीमेल हो, एज के साथ आई बैग्स हो जाते हैं, लोअर आईज में आई बैग्स हो जाते हैं. इसकी बड़ी सिंपल सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लेफरोप्लास्टी. दो तरीके से की जा सकती है, या तो बाहर से या आईलेट को एवर्ट करके अंदर से, जिससे कि आप अपना सारा का सारा फैट अंदर का निकाल सकते हैं और साथ में स्किन टाइटनिंग भी कर सकते हैं. तो ये प्रोसेस है. वो डार्क सर्कल्स होते हैं सर, इसके लिए भी कुछ है? डार्क सर्कल एक टोटली डिफरेंट चीज़ होती है. डार्क सर्कल, उसके नीचे एक गड्ढे होते हैं जिसको बोलते हैं टीयर ट्रफ या हॉलोनेस. उन टीयर ट्रफ में या तो आप सिंथेटिक फिलर्स होते हैं, डर्मल फिलर्स, या फैट भर सकते हैं कि वो उभर जाए और डार्क सर्कल आपके इम्प्रूव हो जाते हैं, दिखते कम है. जी, तो आई बैग सर्जरी की जो आप बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस में कितना समय लग सकता है? और आई बैग सर्जरी भी अराउंड 40-50 मिनट्स की सर्जरी होती है. इंसान सेम डे घर चला जाता है, कोई अस्पताल में रुकने की जरूरत नहीं होती है. देखिए, हमारी ज़्यादातर कॉस्मेटिक सर्जरीज डे केयर होती हैं. कुछ ही सर्जरी होती हैं जिनके लिए मरीज को अस्पताल रुकना पड़ता है. सो मरीज सेम डे घर चला जाता है, अगले दिन से अपना सारे काम और अपनी डेली जॉब्स कर सकते हैं. Without side effects. अगर आप Again, if it done by a good plastic surgeon, good center, you are safe. और good surgeon की बात हो रही है तो हमारे साथ है ना डॉक्टर रजत गुप्ता, जो आपको सजेस्ट कर ही रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस तरह से आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं. फिलहाल एक और सवाल मेरे जहन में है सर, वो ये है कि फीमेल आर ग्लास फिगर के बारे में आप थोड़ा बता पाएं, ये क्या है और किस तरह से फीमेल जो है इनको. जैसे कि हमने बताया कि मेल्स के लिए हम एक वी शेप बॉडी देते हैं या सिक्स पैक एब्स बनाते हैं, फीमेल्स के लिए हम हाई डेफिनेशन कंटूरिंग जब करते हैं तो वी हमारा मकसद होता है उनको एक आर ग्लास शेप देना. सो हम ऐसे में उनकी एक्सेसिव लाइपोसक्शन करते हैं फ्लैंक्स में और साइड्स में, जिससे कि वो शेप अंदर की तरफ आए और जो बाकी फैट है उसको हम यूज़ करते हैं थोड़ा सा बटक ऑगमेंटेशन करने में. सो आप बहुत सारी फीमेल्स का देखेंगे, उनका बैक और बटक के बीच में डेफिनेशन ख़त्म हो जाता है कि वो कहाँ बैक बन रही है और कहाँ बटक्स. सो उनकी हम साइड से फैट निकाल के थोड़ा सा बटक में डालते हैं, फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के प्रोपोर्शंस ठीक हो जाएँ और यू गेट दैट Inviable hourglass figure. और इस सर्जरी के लिए भी आप वही इस फिगर के लिए जैसा कि आप बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं, इसमें भी वही अमूमन 40-45 मिनट का समय. इस सर्जरी में अराउंड 1.5-2 घंटा लगता है, लेकिन मरीज अगेन सेम डे घर चला जाता है, अगले दिन से अपने काम पे जा सकते हैं. यानी कि 1-1.5 घंटे का ये प्रोसेस होगा, उसके बाद आप सोचिए आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब अगले दिन काम करना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं आप जाइए, कोई आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. लेकिन कुछ और सर्जरीज के बारे में अगर आप बताना चाहें फीमेल से जुड़ी हुई. एक सर्जरी होता है जैसे फीमेल जेनिटल सर्जरी. सो बहुत सारी फीमेल्स को जब प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद जो वेजाइना होता है वो थोड़ा सा लैक्स हो जाता है, पैचुलस हो जाता है, जिसकी वजह से उनको नॉट ओनली सेक्सुअल दिक्कतें होती हैं बट ऑल्सो बहुत सारी फीमेल्स इवन इन देयर मिडल एज कि थोड़ा सा खांसी करते हैं या हंसते हैं तो यूरिनरी लीकेज के चांसेस भी हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. इस सर्जरी को हम बोलते हैं वेजाइनोप्लास्टी, जिसमें हम अंदर की जो मसल्स लैक्स हुई हैं उनको मसल्स को टाइट करते हैं सो दैट दे गेट बैक इन टू देयर इंटरनल वेजाइनल शेप, जो उनकी एक यूथ में थी वैसी चीज़ वापस आ जाती है. जी, तो वेजाइनोप्लास्टी इसके बारे में आप बता रहे हैं. फिलहाल अगर हम बात करें, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल शोल्डर्स की बात की जाए, अगर ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें अगर हम प्रॉपर शेप देना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों के शोल्डर झुक जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें भी आप कुछ बताना चाहें. हाँ, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कुछ फोटोग्राफ्स, मेल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनकी क्लेविकल की डेफिनेशन आए, ट्रेपीजियस मसल होती हैं ये दिखें. सो ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं. आप लाइपोसक्शन कर सकते हैं, जो यहाँ पे जो फैट है, एक्सेस फैट है, उसको निकाल सकते हैं. सो आपके डेफिनेशन बन जाती है. ये फैट आप बाइसेप्स और डेल्टॉइड में डाल सकते हैं सो कि डेल्टॉइड आपकी हैवी लगे. सो कंटूरिंग पूरी की जा सकती है. देर आर मल्टीपल पेशेंट्स जिनके हम ऐसा करते हैं सो दैट दे गेट अ वेरी वेरी फिट लुक. सर, एक उम्र के बाद चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, उनके चेहरा लटक जाता है और वो कहीं ना कहीं, कोई भी खास तौर पर महिलाओं की बात करूं तो मुझे लगता है वो चाहती हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल चमकता दमकता टाइट स्किन रहे. उसके लिए फेस लिफ्ट जैसी कोई अगर सर्जरी है ये भी आप सजेस्ट कर पाएं?
ओके सो नॉट ओनली फीमेल्स इवन मेल्स को भी बड़ा अजीब लगता है कि जब चेहरा लटक जाता है. फीमेल्स में हम बोलते हैं कि एक ओजी कर्व होता है या एक टाइट लुक होता है फेस का, वी शेप, जो हर फीमेल चाहती है कि वो मेंटेन रहे. लेकिन एज के साथ चीज़ें ग्रेविटी के साथ लटकती रहती हैं और ऊपर से एजिंग भी होती रहती है. इनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं नॉन सर्जिकल से लेकर सर्जिकल तक. नॉन सर्जिकल से हमारे पास होते हैं फिलर्स या थ्रेड लिफ्ट्स, जिससे आप इनिशियल फेजेस में इन योर लेट 30s और अर्ली 40s यू कैन इम्प्रूव. उसके बाद आता है कि प्रोसीजर होता है एंडोस्कोपिक फेस लिफ्ट, जो हम करते हैं जिससे हम लटके हुए जो फैट बैग्स हैं उनको लिफ्ट कर देते हैं, आईब्रोज लिफ्ट कर देते हैं, सो दैट यू गेट अ रिजुविनेटेड लुक. अगर उससे ज़्यादा लटक जाए सो हमें करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल फेस एंड नेक लिफ्ट. सो इसमें क्या होता है, जो एक्सेस स्किन है उसको निकाला जाता है, नेक को भी टाइट किया जाता है एंड यू गेट अ लिफ्टेड लुक. जो उसमें कट्स आते हैं, स्कार्स आते हैं, वो यूजली कान के पास आते हैं और सब कुछ पीछे चले जाते हैं तो वो निशान दिखते नहीं है. यानी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. अगर आप चाहते हैं इस तरह से, आप चाहते हैं आपका चेहरा लटक गया है, फेस लिफ्ट करवाना चाहते हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि एंडोस्कोपिक फेस लिफ्ट एक प्रोसेस है जो आपने बताया है, इसको सजेस्ट किया गया है, इस चीज़ को भी आप देखिए और यकीनन फिर से आपके चेहरे पर वो जो रौनक आप चाहते हैं आपको मिलनी चाहिए वो मिल सकती है. फिलहाल एक और भी है आर्म लिफ्ट के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हाथ भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा लटक जाता है उस समय. सो आर्म्स और साथ में थाइस, ये भी एक बहुत ज़्यादा फीमेल्स और मेल्स के कंसर्न्स होते हैं कि हैवी आर्म्स और थंडर थाइस जिसको बोलते हैं. बेसिकली इसमें क्या होता है कि फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है आर्म्स में और थाइस में. सो अगेन लाइपोसक्शन किया जा सकता है, हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन किया जा सकता है कि आर्म्स का भी फैट निकाल के या थाई का भी फैट निकाला जा सकता है. अगर आपके साथ इसमें एक्सेस लूज स्किन है सो वो स्किन को भी निकाला जा सकता है ताकि स्किन भी साथ में टाइट हो जाए. सर डू और डोंट्स बताएं आप, ऐसे में अगर इस प्रोसेस से किसी को जाना है, गुजरना है, कुछ अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी आप बताना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी ये बहुत हमारी लेमैन इन्फॉर्मेशन है. डूज एंड डोंट्स ये हैं कि हर मरीज को जब कोई भी सर्जरी में जाना चाहे अपना प्लास्टिक सर्जन तरीके से चूज करें, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके क्रेडेंशियल्स और उनके पेशेंट्स की फोटोग्राफ्स देखें. जब आप उनसे मिलें तो एक उस प्रोसीजर के बारे में डिटेल में बात करें. ये मत सोचें कि आप बस अगले दिन से घर चले जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा. उसमें क्या रिकवरी पीरियड है, क्या मेडिसिन उसके बाद लेनी पड़ेंगी, आपको बीपी या शुगर की बीमारी है या नहीं है, वो सारा ही डिस्कस करें अपने सर्जन से कि तभी आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा. इसके बाद ये सर्जरी, जो हम बॉडी कंटूरिंग की अगर स्पेशली बात करें, ये नहीं कहते हम कि उसके बाद आप फिट लाइफस्टाइल ना जिएं कि हमने लाइपोसक्शन करा लिया उसके बाद मुझे कुछ भी खाएं और एक्सरसाइज ना करें, ऐसा नहीं है. यू हैव टू रिमेन फिट टू स्टे फिट. Thank you so much for coming to our show. Thank you.